अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना दुबई, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी जो है ना डेली रूटीन शेयर करूंगी, लेकिन तब मुझे टाइम नहीं मिला। महीना ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला ना। तो अभी भी मुझे यहाँ पर आए हुए महीना हो गया है और कुछ खास मैंने मतलब इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई। तो मैंने कहा चले आज जो है ना हम लोग अपनी डेली रूटीन शूट करते हैं। तो अभी जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 1 बजा हुआ है बाहर, और आज है जुम्मे का दिन, और आप लोगों को बताया कि जुम्मा भी पढ़ना होता है और सब कुछ जो है ना करना होता है। तो मैं जो है ना 12 बजे उठी थी, और उठते ही जो है ना मैंने सारी सफाई वगैरह की है। ये देखें, उठते ही जो है मैंने सब कुछ साफ़ किया है, यहाँ पे सफाई की है। तो सफाई करते करते जो है ना तकरीबन आधा घंटा घंटा लग गया। तो अब जो है ना मैंने कहा चलो नाश्ता करते हैं, उसके बाद अबू बकर ने जाना है जुम्मा पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर मैंने भी नमाज पढ़नी है, खाना बनाना है। बहुत ज़्यादा जो है ना जाहिर सी बात है जुम्मे को ऐसे ही होता है। तो अब जो है मैंने अबू बकर को जो है ना नाश्ते के लिए कुछ लेने के लिए भेजा हुआ था, लाइक मतलब बाहर से नाश्ता नहीं, लाइक ब्रेड वगैरह लेने के लिए। तो मैं अबू बकर का बस वेट ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, घंटा तो हो गया उठे हुए। तो देखते हैं कहाँ पर है अबू बकर बाहर जाके। ओके, बाहर नहीं टेरिस पे जाके देखते हैं। हाँ, पता नहीं किधर रह गया है। ये पास ही शॉप है, इधर ही शॉप है। चलो कोई बात नहीं, आप बाहर से देख लें तब तक। तो अबू बकर आते हैं, तो फिर जो है ना नाश्ता बनाते हैं सबसे पहले, और नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अबू बकर आ गए आधा घंटा लगा के। यार ये साथ वाली शॉप में गए थे। वालेकुम सलाम। साथ वाली शॉप में नहीं, कैशियर में रश भी तो होता है ना। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, नाश्ता करवाना है। करवाना है क्या? करना है, करवाना है आपने। यार चलें जी, यहाँ पर हम लोग नाश्ता बनाते हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो ये अबू बकर के लिए 2 अंडे बनाएंगे, मैं तो ब्रेड और साथ जो है ना वो खा लूँगी जैम, और अबू बकर के लिए ब्रेड और अंडा। तो जल्दी से जो है ना बनाते हैं। ये यहाँ पे आके आग चला दे, मुझे आग ना यार ये लाइटर ख़राब हो गया है, दूसरा लाना पड़ेगा। नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, चलें वही जला दे मुझे आग, तो फिर जो है ना आपको बना दूँ नाश्ता। उसके बाद ये भी सोचना है कि आज बनाना क्या है। जुम्मे को तो वैसे मैंने ख्याल है हर किसी के घर स्पेशल डिशेज ही बनती हैं, तो हम भी आज कुछ स्पेशल ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। चलो चलो बस कर दे, बस कर दे। चले मैं बनाती हूँ ये नाश्ता, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से जो है ना मिलती हूँ नाश्ता बना के, क्योंकि मैं कैमरा तो नहीं पकड़ सकती, तो इसलिए मुझे जो है ना या नाश्ता बनाना पड़ेगा या वीडियो बनानी पड़ेगी। तो जल्दी से हम जो है ना पहले नाश्ता बना लेते हैं। तो ये बन गई हमारी ब्रेड, मैं बनाने लगी होंगी अंडे। चले जी, तो ये बन गया हमारा नाश्ता। ये है अंडे 2 अबू बकर के लिए और 7 ब्रेड। मैं तो ब्रेड जैम खाऊंगी, यहाँ के अंडे मुझे अच्छे नहीं लगते। चलो लेके आओ ना। पता नहीं, यहाँ का चिकन भी नहीं अच्छा लगता मुझे, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है ना मेडिसिन की स्मेल आती है उसके अंदर से। तो हम जो है ना अपना जैम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये ले ला रही, बड़ी प्लेट ले आनी थी। बड़ी प्लेट इजीली। अच्छा जी, चल ये ले लिया हमने अपना चम्मच। ये ले चम्मच, चम्मच आपके मैंने 3 स्लाइस बनाए हैं और अपने 2। अच्छा, ज्यादा ना खा लेना। चलो ओके, ये ऊपर मैंने काली मिर्च भी डाली है। चलो थैंक यू जी। अच्छा अच्छा, मैं आपके लिए ये देखो जैम लगा रहा हूँ। अच्छा जी, मैं खुद लगा लूंगी, मैं ज्यादा नहीं लगाती। लाओ चलिए नाश्ता कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। और अबू बकर ने जाना है जुम्मा पढ़ने के लिए, तो फिर जो है ना डिसाइड करना है कि आज क्या बनाना है। आज जुम्मा है तो आज कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नाश्ता करने के बाद। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, कैसा था नाश्ता? ये जो आपने ब्लैक पेपर डाला ना ऊपर, काली मिर्च इसका बहुत मजा आया। ना आप ही पियो तो ना मैं भी पीता हूं। हां, चाय तो नहीं पीते हम। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, जुम्मा पढ़ने के लिए जाना है। चलिए ठीक है। हां जी, सबसे पहले मुझे बता दो आज बनाना क्या है, ताकि मैं बना लूं। कोई अच्छी सी आज डिश बनाओ ना, सरप्राइज दो ना। क्या सरप्राइज दूं? कोई अच्छे से खाने का। अच्छे से खाने का नहीं, कल ही प्लान किया था। मैं आपको बता दूं, कल ही सोचा था, इतने दिनों से दिल कर रहा था मेरा ना कोफ्ते और साथ ना मटरों वाले चावल खाने को। चावल तो आपको पता, मुझे तो चावल तो अबू बकर को बहुत पसंद है ना। तो चावल हम लोग बनाएंगे, साथ मटन के कोफ्ते बनाएंगे। कल मैंने जो है ना कीमा मंगवाया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने चपली कबाब बना लिए थे, बाकी मैंने कोफ्ते बना के ऊपर फ्रीज करके रख दिया है। तो बस फ्राई करने हैं, और उसके बाद उसको सालन बना के साथ जो है ना मटर वाले चावल बनाएंगे आज। तो अबू बकर अब तैयार होकर जाते हैं, तो फिर जो है ना मैं तब तक यार मैं नाश्ता करके ना यहाँ पर बैठ जाती हूँ बाहर,
इधर बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना जब मेरा दिल भर जाता है बाहर देख देख के, तो फिर जो है ना मैं फिर उठ के खाना वगैरह बनाती हूँ। तो अभी तो नाश्ता किया है, तो अब थोड़ी देर बाद जो है ना हम लोग खाने की तैयारी भी शुरू कर देंगे, क्योंकि आज हमने ज़्यादा खाना बनाना है। तो फिर मैं धोने लगी हूँ ये बर्तन, आप तैयार हो जाओ जल्दी, जुम्मा पढ़ने के लिए जाना है। हाँ जी, वो बकर चले गए हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, और मैं यहाँ पर बाहर बैठ गई हूँ टेरेस पर। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब अबू बकर नहीं ना होते तो मैं जो है ना यहाँ पे टेरेस पे बैठ जाती हूँ। तो हम लोग जो है यहाँ पर बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, अबू बकर का वेट करते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ से जो है ना गंदम का आटा कहाँ से मिलेगा, जो गंदम जो सही वाला गंदम होता है ना। मैं आटा लेके आई हूँ दो दफ़ा, लेकिन वो जो है ना वाइट आटा ही है ना, तो मुझे वाइट आटा नहीं चाहिए, मुझे गंदम का आटा चाहिए। तो वो मुझे बताइएगा कहाँ पर मिलता है। और अब हम लोग करते हैं अबू बकर का वेट, उसके बाद हम लोग करेंगे खाने की तैयारी, ठीक है। और वो देखे वहाँ पर प्लेन जो है लैंड कर रहा है। तो अबू बकर आ गए जुमा पढ़ के, और मैं जो है ना मम्मा से बात करने लगी थी, काफ़ी घंटा दो घंटा उनसे बात हुई है। तो अब मैंने कहा चले खाना बना लूँ, क्योंकि शाम होने वाली है, तो जल्दी से जो है ना अब हम लोग खाना बनाना शुरू करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे ना चावल भिगो के रख दिए थे, ये तकरीबन आधा किलो चावल है ये भिगो के रख दिए थे। और जो है ना मैं यहाँ पर करने लगी हूँ कोफ्ते फ्राई करने लगी हूँ इसके अंदर। कोफ्ते मैंने कल ही बना के रख दिए थे, मटन के फ्रीज़ कर दिए थे ना, तो अब आज जो है ना हम इसको करते हैं फ्राई, ठीक है। ये है जी कोफ्ते, ये कीमे वाली प्लेट थी ना, तो उसी के अंदर ही मैंने उसको करके तो उसी के अंदर ही रख दिया था। तो इन कोफ्तों को जो है ना अब हम लोग करते हैं फ्राई। तो अब वो फिर आग जलाते हैं, बैठे हैं। तो आज है जी अबू बकर का ऑफ, तो इसीलिए जो है ना अबू बकर जनाब आज घर पे ही आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो चले जी करते हैं अब हम लोग, ये काफी फ्रीज हुए हो गया है। क्या है आवाज आ रही है? रात को वो जो मूवी देखी है इतना मजा आया है। कौन सी कौन सी थी विक्की, क्या थी मूवी, मुझे नहीं पता, आपने लगाई थी लेकिन उसमें नहीं, मुझे नाम बताओ विक्की की, वो वाली वीडियो विक्की और विद्या, विद्या तो उसमें वो बोल रहा था वाला हबीबी दुबई आओ कभी भी। चल भाई मैं अपने करूँ, पैन गरम होने वाला है। मजा की थी ना, बड़ा मजा आज फिर देखेंगे कोई मूवी, ठीक है। हम रात को जो है ना सब कुछ जब फ्री हो जाते हैं ना करके, फिर हम लोग मूवी देखते देखते सो जाते हैं। ये डाल दिया मैंने कोफ्ते, कोफ्ते फ्राई होते हैं तो उनको निकालते हैं। मैं पहली दफ़ा अपनी दूसरी दफ़ा कोफ्ते बनाने लगी हूँ। पहली दफ़ा जब ना दिसंबर में अबू बकर के लिए बनाए थे, और वो लास्ट ईयर, वैसे तो मम्मा के हाथ ही खाए हैं, मुझे मम्मा के हाथ के ही अच्छे लगते हैं। तो देखो अब कैसे बनते हैं, ये फ्रीज हुए हुए हैं ना, तो इसीलिए ये रहते हैं। इनको मैंने कल फ्राई इसीलिए नहीं था किया था मैंने, फिर मतलब आज बनाने थे ना, अगर इनको फ्रीज कर देती फ्राई करके तो ये सख्त हो जाने थे अंदर से। तो अभी फ्राई करूँगी ना तो ये नरम नरम ही रहेंगे। इसके अंदर मैंने कोई अंडा नहीं डाला, सिर्फ मैंने जो है ना अंदर वो डाला है बेसन डाला है। तो मुझे यहाँ के अंडे नहीं अच्छे लगते, तो मैंने इसीलिए जो है ना अंडा नहीं डाला। कोफ्ते जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, हाँ जी कर देते हैं, ठीक है। और अभी बकर पड़े हैं यहाँ पर नमाज, और चावल भी मेरे ख्याल है मेरे भीग गए हैं। तो एक साइड पे हम जो है कोफ्ते रख देंगे, और एक साइड पे जो है हम लोग चावल रख देंगे मटरों वाले। तो हमारे कोफ्ते हो गए हैं तकरीबन, इसमें थोड़ा तीन तो मैंने निकाल भी लिए हैं, अभी भी निकालती हूँ। फिर हम जो है ना ये रखते हैं मसाला बनाने के लिए, फिर कोफ्ते डाले। मैं अच्छी तरह इनको फ्राई करती हूँ, ताकि इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह कुछ भी है, ताकि वो ना हो जाए फ्राई हो जाए अच्छी तरह। अब मैं रखने लगी मसाला बनाने के लिए, और कोफ्ते हो गए हमारे सारे फ्राई। और यहाँ पर मैंने अबू बकर को बोला है कि गरम मसाला पीस के। देखिए मेरा हाथ जला दिया अबू बकर ने, मैंने नहीं जलाया, हमने जलाया। आप ही जब भी खाना बनाती हो तो हाँ मेरा हाथ जल जाता है यार, पता नहीं क्या मसला है। यहाँ पे अब प्याज फ्राई हो रहा है, अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अंदर मैं पेस्ट करके इसलिए डाल रही हूँ, ताकि ना इसमें जो है ना लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये कोफ्ते बनने में ना, क्योंकि ऑलरेडी फ्राई होते हैं, हाफ कुक तो होते हैं ऑलरेडी, तो ये मसाला खड़ा खड़ा रहता है ना, इसलिए मैंने इसको जो है ना वो किया है, पीसा है। मसाला मैंने बना लिया यहाँ पर, ये देखें। अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर दही, और यहाँ पर गंध चेक करें।
अब ये लास्ट पे समेटा जाएगा, इसको लास्ट पे करूँगी। ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लेके आई थी लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये मैंने दोबारा अब इसको करके किया है, लहसुन अदरक को छील के दोबारा मैंने किया है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर दही, ये देखें, ये है जी मसाला हमारा। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये वाला दही, दही तो मस्त जाता है ना। के अंदर, और ये जनाब देखें, शाबाश शाबाश। रेस्ट कर रहा हूँ ना। रेस्ट कर रहे हैं, किया क्या है आज? कुछ नहीं। तो फिर रेस्ट किस चीज का? ऑफ है ना। ऑफ है बस। और यहाँ पर गन देखें, बस अभी इसको भून के तो इसके अंदर पानी डाल के तो फिर धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे अंदर। मैंने इसके अंदर पानी और अब इसको कवर करके रख देते हैं और हम लोग जाना चावलों की तैयारी करते हैं। ठीक है, रख देते हैं इसको ऐसे और हम लोग पकाते हैं चावल। कोफ्ते हैं वो मैंने रख दिए थे, आपको मैंने दिखाए थे, ये हैं। अब ये बनते रहेंगे, मतलब थोड़ा इसको 10-15 मिनट लगेंगे तो बन जाएगा। साथ ही मैं अब चावल रखने लगी हूँ यहाँ पे, ताकि जो है ना फिर अबू बकर को खाना दूँ और हम भी खाना खा के जो है ना फिर जाएंगे हम लोग वॉक करने के लिए। प्याज जो है यहाँ पर ऑलरेडी मैं लेके आई हुई हूँ फ्राई हुआ हुआ, ठीक है, तो इससे जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। मैंने चावलों के लिए जो है मसाला बना लिया, मैं मटर को गला रही हूँ और ये बस हमारा तैयार है कोफ्ते। बस अंदर ये धनिया और हरी मिर्च डालेंगे और हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। और ये मैं क्या आगे बोल रहे थे ना कि फ्री बैठे हो, तो बस धनिया ही कटवा रही, क्या हो गया? तो भी मैं काम कर रहा हूँ ना। हाँ, बंदे को करनी नहीं चाहिए हेल्प? बताओ क्यों नहीं करनी चाहिए? आपके लिए खाना बना रही हूँ मैं तो जी। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। इसके अंदर जनाब ने कहा है जी ये पूरा ये लहसुन डालना है इसके अंदर, बड़ा मजा आता है ये लहसुन डाल के तो चावलों के अंदर। फर्स्ट टाइम मैं ये करने लगी हूँ, मैं तो कभी नहीं है लहसुन। मैं भी नहीं था खाता, आपको पता ही है। तो किससे सीखा? ये मेरे दोस्तों ने एक दफा खिलाया था, मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा जी, जी। तो अब हम इसके अंदर एक लहसुन भी सूट देंगे, ठीक है ना। अब ये मटर गलते हैं तो इसके अंदर हम पानी डाल के, तो बस चावल डाल के दम लगा के बस फिर हमारे चावल तैयार। तो यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ, अब पानी मैंने डाल दिया, अब मैं इसको अंदर चावल डालने लगी हूँ और फिर दम लगेगा और ये हमारा जो है बस कोफ्ते तैयार है। ये मैं बंद करने लगी हूँ, कोफ्ते हो गए तैयार, तो इसको हम कर देते हैं बंद। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोफ्ते तैयार, माशाल्लाह बहुत मज़े के लग रहे हैं देखने से, तो आप देखो खाने में भी अच्छे हों। और इसके साथ हम लोग बनाएंगे रायता, क्योंकि शोरबा मैंने रखा है कोफ्तों के अंदर, क्योंकि आपको पता है चावलों के साथ जो है ना शोरबा अच्छा लगता है। तो अब चावल डाले हुए हैं और बस चावलों को अब जो है ना दम लगना है। तो यहाँ लगा दिया है चावलों को दम और बस अब हमने बनाना है रायता और हमारा काम ख़त्म। आज हमारे चले यार, कल इतनी अच्छी बाहर, इतना अच्छा कल मौसम हुआ था ना, है ना अबू बकर, बादल बने हुए थे यहाँ पे। वैसे तो मुझे लगता है साला साल बारिश ही नहीं होती यहाँ पे। ये देखें वो देखें प्लेन जा रहा है, वहाँ से लैंडिंग होती है, यहाँ से आते हैं। आज इतना ठंडा मौसम नहीं है, रात को बहुत ठंडा मौसम हो जाता है और लोग देखो वॉक कर रहे हैं यहाँ पे कदम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या मटर? चलो अब इसको जो है ना मिक्स करते हैं। लहसुन भी है ना मेरा? हाँ लहसुन की तरह है ना। अच्छा ये लहसुन, चलो इसको मिक्स करते हैं। राइस देखे माशाल्लाह इतने मजे के लग रहे हैं। ये दम तो हो गया कंप्लीट, लेकिन फिर भी इसको 2-3 मिनट के लिए जो है ना हम लोग दोबारा दम दे देते हैं। वैसे तो हो गया है दम, लेकिन जब तक हमारा सालन गर्म होता है तो फिर तब तक जो है ना हम इसको वो कर देते हैं कवर। और बाल आप लोग कहेंगे कि अपने बाल तो कवर कर लिया करो, लेकिन बाल मैं इसलिए नहीं कवर करती कि जब मैं बाल कवर करती हूँ ना तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती है, तो इसीलिए फिर मेरे से कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं अपने बाल कवर मतलब बांधती नहीं हूँ ना। खाना हो गया तैयार, अब जो है सर्व करते हैं। ठीक है, ये हो गए चावल हमारे।
चावल है और ये देखें ये पानी जो है ना ये इसको बर्तन भी इतना धोने वाला फिर हो गया है, दोबारा मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। हाँ जी। और ये अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ सालन गरम और फिर अब बकर को, और रायता भी मैंने जो है ना बना के रख लिया है। ये है जी रायता, ये सालन। अब हम डालते हैं राइस। बिस्मिल्लाह। आई एक हाथ से नहीं होगा, मुझे दोनों हाथों से करना पड़ेगा। ठीक है, माशाल्लाह। हम करते हैं सर, ये ले जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह, पहले एक मिनट। हाँ हाँ, मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ। okay. और वो गंद देखिए कितना पड़ा हुआ है, अभी इसको समेटते हैं। चले जी, खा के बताइए कैसे बना। ये डालें ना, कोफ्ता डालें। अब आपको ट्राई करवाता हूँ मैं। हाफ करें, इतना ज्यादा मैं कोफ्ता नहीं खाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी, खुशबू से माशाल्लाह पता चल गया। इतने मजे के बने हैं ना कि बस पूछे ही ना। चले अब हम ये खाना खा लें, और खाना खा के जो है ना मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ, यकीन करें इतना मज़े का खाना था ना, इतना मज़े का माशाल्लाह खाना था ना कि आप पूछो ही ना। ऐसे ही लग रहा था जैसे मम्मा ने बनाया ना, लेकिन वाकई बहुत 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 मज़े का बनाया था। बताएं कैसा बना था। माशाल्लाह, दो ये देखो ये बंदा ये लहसुन भी छील के वो भी खा लिया। बड़ा टेस्टी बनता है अगर कोई खाता होगा। बहुत मजे का, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो बहुत बहुत मजे का वो लहसुन लगा। और बाकी खाना तो इतना मजे का था ना, इतना डिलीशियस था। आज अबू बकर की ईद करा दी है मैंने। माशाल्लाह, बहुत मजा आया, दो प्लेट खा गए माशाल्लाह। ऐसा कभी यहाँ पे रहते हुए आपने खाए कभी कोफ्ते? नहीं, यहाँ पे रहते हुए जितने भी साल हो गए। नहीं नहीं, कोफ्ते नहीं खाए कभी। अच्छा, मटन चिकन। अब हम लोग चलते हैं वॉक करने के लिए। मैं कपड़े शपड़े पहन लूँ तो फिर हम लोग चलेंगे वॉक करने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है। वैसे मैं इतना खाती नहीं हूँ, नॉर्मल मतलब एक रोटी खा ली, तो आज ज़्यादा खा लिया। एक अबू बकर जब भरता बनाते हैं ना, उसके साथ भी मैं रोटी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अबू बकर का भरता भी बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का होता है। नेक्स्ट टाइम अगर भरता बनाऊँ वीडियो बना लेना। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी रेसिपी ज़रूर। तो अभी जो है कपड़े चेंज करते हैं और हम लोग फिर चलते हैं वॉक पे। तो खाना शाना खा के अब मैंने जो है ना घंटा रेस्ट भी कर लिया। अब मैंने कहा चलो चलते हैं वॉक करने के लिए बाहर। ऐसे हम रोज़ खाना खा के जो है ना वॉक करने जाते हैं बाहर ना, खाना खाने की वजह से नहीं, वैसे ही बस चहल कदमी करने के लिए। चले फिर। चलो। ओके, पूरे घर में मेरे खाने की खुशबू फैली। माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह। चले फिर। चलो। लाइट ऑफ करें ना, ऐसे तो नहीं जाना। चलो बाहर पहले निकलना पड़ेगा ना हमको। इनके घर कोई आया है। चले बंद है ना, देखना भी जल्दी। सेंसर लगा। बचपन में ऐसे खेलते थे। सेंसर लगा। चल खुल जा सिम सिम। अच्छा ये मुझे ये ग्राउंड जी लिखा है ना, लेकिन मुझे ये लगता होता था कि सिक्स है। सिक्स है। हाँ जी। हाँ जी, इधर तो थ्री फ्लोर है ओनली। खुल जा, टू पे आ गई है। सेकंड एंड फाइनली वो बाहर निकले और यहाँ पे ठंड लगने लग गई। हाँ, सर्दी आ गई। स्वेटर पहन के आना चाहिए था आपको। नहीं, सही है, आदत हो गई है। ओके, पाकिस्तान जैसी नहीं ना सर्दी पड़ती। अच्छा जी। हाँ जी, अभी कुछ दिनों तक जाएंगे हम लोग फिरने के लिए बाहर। कहाँ बता, अभी तक हम लोग कहाँ नहीं गए। चाइनीज खाने की खुशबू आ रही है यार, ये कैसे खा लेते हैं कच्चा कच्चा। नूडल वगैरह भी है ना इधर। मुझे तो यार, मुझे कनौर के अलावा कोई नूडल पसंद नहीं है।
है यहाँ का, वो भी वो लास्ट टाइम कौन सा खाया था हमने, मैगी? नहीं नहीं मैगी नहीं था, मैगी तो अभी हमने ट्राई नहीं किया, चाइनीज था कोई, चाइनीज नहीं तो सॉरी इधर का था कोई, क्या नाम था पता नहीं भूल गया हूँ, लास्ट टाइम जब आप आई थी ना, हाँ जी तब, हाँ बहुत ही गड़गड़ा था यार, कोई पूछो ही ना। इधर खजूरें लगी होती हैं लेकिन अभी नहीं है, बड़े मजेदार होती हैं। इधर खजूरें लगती हैं? हाँ। तो उतार सकते हैं? उतार लेते हैं लोग, है तो ममनू है, ठीक है? नहीं उतार सकते, स्कूटी ले दो, मैंने आपको कितनी दफा बोला है आपको ले दूं, आप बाहर घूम जाओ तो और क्या होता ना, फिर मुझे डर लगेगा, फिर आपको मैं मिलूं ही ना। अभी आप इधर रोड जितने भी रोड बने हुए हैं, हाँ जी ठीक है, इनका तो नहीं ना आपको पता कैसे जाना है, कैसे ड्राइव करनी है, तो लेके दोगे तो पता चल जाएगा, वो लेके देंगे अभी नहीं। अच्छा जी, आजो आजो, इधर क्यों नहीं है वो, इस साइड पे नहीं है ना, इधर वो जो होता है, हाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अच्छा जी, मुझे हाँ। तो पता ही नहीं था ना, मुझे तो पता ही नहीं था ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। मोहिउद्दीन से हम लोगों ने लिया ये ब्रोशर मोहिउद्दीन से, ताकि मैंने कहा देखती हूँ कोई चीज़ सस्ती हुई है तो बंदा मंगवा लेता है ना, वो बकर इनका नेशनल डे भी आ रहा है ना, तो काफ़ी डील्स वगैरह लगेंगी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। सर्दी लग रही है ना, हाँ ठंड लग रही है, चले चलो हो गई जिन्नी वॉक करनी सी। ये क्या है, ये मोटर बनाई है इन्होंने, बस इधर वो लगा रहे हैं ना, क्या टाइल्स लगा रहे हैं। अच्छा चले हम लोग चलते हैं रूम में। तो ये थी हमारी रूटीन, हमारी रोज़ की रूटीन ऐसी होती है, अबू बकर चल जाते हैं शॉप पे और मैं फिर नाश्ता करके फिर खाना वगैरह बनाने लग जाती हूँ, फिर ऐसे शाम हो जाती है, अबू बकर आते हैं फिर खाना खाते हैं और फिर ऐसे जो है ना मेरा पूरा दिन गुजर जाता है ना, वॉक करते हैं, ये देखिए तो ऐसे ही जो है ना हमारा पूरा दिन गुजर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग वीडियो का एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।